सचिन मा तो राजी सब राजी हम राजी हो गेलो। ये दोनों अब पति पत्नी मान सकता है, अपना ये खुशी से जिंदगी बिता। हम दोनों मर्जी से शादी कर लिए हैं। तुम इस लड़की से कैसे शादी करेगा, ये तो किसी और का पत्नी है। जमुई में पूरी फिल्मी स्टाइल में एक दिलचस्प मामला प्रकाश में आया है। इस कहानी को जिसने भी सुनी दांतों तली उंगली दबा लिया। यहां प्यार में हद से गुजरने वाले प्रेमिका ने अपने पति के सामने ही प्रेमी से शादी रचा ली। यानी ऐसी परिस्थिति बनी कि पति को ही अपनी पत्नी की शादी उसकी प्रेमी से करवानी पड़ी। दोनों की शादी का वीडियो भी इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। तुम इस लड़की से कैसे शादी करेगा, ये तो किसी और का पत्नी है। प्यार करते हैं बोला हम शादी करेंगे तुम से। कोई तुमको कह देगा कि प्यार करेंगे उससे शादी कर लेंगे तो तुम किसी का पत्नी के साथ कर लेगा? नहीं, ये बोला था मर जाएंगे नहीं करेंगे शादी, तो आप इसीलिए नाम कर रहे। अच्छा, क्या ये लड़की बता रही है कि मर जाएंगे तुमसे नहीं करेंगे? तुम बोला मर जाएंगे उसके पास नहीं रहेंगे। तो मर जाएगा तो मर जाएगा, तुम्हारा क्या जा रहा था इसमें? मर जाएगा कोई कैसे मर जाए, हमारे लिए बदनाम हो गया तो मेरा नाम लेकर बदनाम हो गया जब पूरा। तुम सोचे क्या किस लिए बदनाम हो गया, जब हमारे लिए इतना बदनाम हुआ तो इतना कुछ किया था हम। अच्छा, तेजा बच जाएगा सभी का। यानी कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करता है। अच्छा, अगर अगर ठीक है आज तुम शादी करा, भविष्य में इस लड़की को तुम छोड़ देगा तो कहाँ जाएगी? नहीं छोड़ेंगे। चलो ठीक है बाबू, आप अपना नाम बताइए, आपका शुभ नाम। जोर से बोलो, हम थोड़ा कम सुनते हैं। शिवानी। अच्छा, आपकी पिताश्री का नाम? गुरु रविदास। घर आपकी मायके? अच्छा अच्छा, आप सचिन को आप कितना दिन से जानते हैं? कंपनी में काम करता था उसी टाइम से। अच्छा, इसके पहले आपकी आपकी शादी कहीं हुई है क्या कभी? क्या कहाँ पे शादी हुआ है? वो लड़का का क्या नाम है पूरा बताइए। उसका घर हुआ बलथर, उसका नाम है विकास। अच्छा अच्छा, तो फिर आप एक शादीशुदा औरत हैं तो आप दूसरे लड़का से प्यार कैसे कर रहे हैं और उससे शादी क्यों कर रहे हैं आप? प्यार किया है वो, हस्बैंड जाना बोला नहीं रखा। अच्छा, हस्बैंड क्या बोला? नहीं रखा। नहीं रखा। अच्छा, तो अभी तुम हस्बैंड के साथ रहना चाहती है कि सचिन के साथ? सचिन। और अगर सचिन नहीं रखेगा तो मर जाएगी। अच्छा, अगर कल तुम अभी जिस लड़का के साथ तुम प्यार कर रहे यार शादी करने के लिए तैयार, शादी तुम्हारा हो गया है क्या? हाँ, अभी हो गया। किसके साथ हुआ शादी? सचिन का। अच्छा, तुम अपना मर्जी से किया है शादी या फिर कोई बात जबरदस्ती किया है? नहीं, मैं अपना मर्जी से किया। अच्छा, हेलो। और कल सचिन पे कोई बता दे, खैरा प्रखंड के डांसी डीह गांव निवासी गुरु रविदास की पुत्री शिवानी कुमार की शादी 2 वर्ष पूर्व सोनो थाना क्षेत्र के बलथर गांव निवासी विकास दास के साथ हुई थी। उसके बाद दोनों पति पत्नी के रूप में रह रहे थे। विकास बेंगलोर में एक कंपनी में काम करता था, जिस वजह से शादी के कुछ महीने बाद ही विकास अपनी पत्नी शिवानी को भी साथ लेकर बेंगलोर चला गया और कंपनी में दोनों काम करने लगे। इसी दौरान झाजा प्रखंड के जमुक्का बरगांव निवासी प्रकाश दास के पुत्र सचिन कुमार से शिवानी की मुलाकातें हुई। धीरे धीरे दोनों में बातें होने लगी, फिर बात प्यार में बदल गई और दोनों के बीच नजदीकियां भी बढ़ गई, जिसके बाद शिवानी ने अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए पति से विद्रोह कर दिया। आखिरकार पत्नी की बेवफाई के बाद विकास ने स्वयं गवाह बनकर अपनी पत्नी की शादी सचिन से करवा दी और अपने सामने ही प्रेमी से सिंदूर भी दिलवा दिया। फिलहाल इस शादी को लेकर परिवार वालों द्वारा किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई है और ना ही अब तक किसी ने पुलिस को इसकी सूचना दी है। और ये दोनों में प्यार मोहब्बत का चक्कर में पकड़ा गया है, इसलिए दोनों को शादी करा दिया गया है। और ये लड़की लोग और लड़का, लड़की खुद ही बोल रहा था कि हम उसके बिना जीवित नहीं रहूंगा, नहीं तो हम फांसी लगा लेंगे, इसके लिए हम दोनों को शादी करवा दिए। ये आपके पत्नी के साथ इस लड़का का क्या मैटर है और आप यहाँ पे क्यों खड़ा है? ये लड़की को और लड़का को बहुत पहले से प्यार चल रहा था। अच्छा अच्छा, आपको ये पता था कि ये लड़का लड़की में प्यार चल रहा? हमको पता नहीं था। अच्छा, तो आज कैसे पता चला? ये फोटो वायरल हुआ तब हमको पता चला। अच्छा, है तो जो है हम इसको पूछने लगे। चलिए ठीक है,
अच्छा ये बताइए, आपकी पत्नी आपके साथ रहना चाह रही है अभी? नहीं, हमको साथ में नहीं, हम डायरेक्ट बोल रहा है कि हम आपको साथ में नहीं रहेंगे। अच्छा, आप रखने के लिए तैयार हैं क्या? हम अब ये सब कारण से हम नहीं रखेंगे। अच्छा, यानी आप अपनी पत्नी को अब नहीं रखेंगे? नहीं। आपकी शादी इस लड़की से कब हुई थी, कौन सा साल में? कौन सा साल में, 2 साल हो चुका है। अच्छा, 2 साल हो गया है। चलिए, यानी आप अपना स्वेच्छा से इस लड़का लड़की की शादी करवा रहे हैं? यानी आप खड़ा होके ये दोनों की शादी करवा दे रहे हैं? आपको कोई तकलीफ इसमें? कोई हमारा तकलीफ नहीं है। कोई तकलीफ नहीं, ये दोनों आप पति पत्नी मान सकता है? अच्छा, यानी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम। आप लड़का लड़की को कोई टॉर्चर कभी करेंगे क्या? नहीं, हम करेंगे। आपको कोई तकलीफ इससे? कोई तकलीफ नहीं। अगर कल वो दोनों के आपके तरफ से या आपके परिवार से कुछ नुकसान होता है, इसका जिम्मेवारी आप लेते हैं? नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपके परिवार और आपके द्वारा वो दोनों के ऊपर कुछ घटना होता है तो इसका जिम्मेवार आप रहेंगे? हमारा तरफ से कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप कल कुछ करते हैं, ये लड़का लड़की को या आपके परिवार कुछ करता है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी? जरूर। और ये दोनों में प्यार मोहब्बत का चक्कर में पकड़ा गया है, इसलिए दोनों को शादी करा दिया गया है। और ये लड़की लोग और लड़का लड़की खुद ही बोल रहा था कि हम उसके बिना जीवित नहीं रहूंगा, नहीं तो हम फांसी लगा लेंगे, इसके लिए हम दोनों को शादी करवा दिए। हम विकास दास है, जिला जमुई, थाना सोनो का निवासी है, ग्राम बलथर है। और ये लोगों पकड़ा गया है कुछ प्यार मोहब्बत का चक्कर में, जो कि इसको दोनों को शादी कर दिया गया है। अपना ये खुशी से जिंदगी बिताओ। हम दोनों मर्जी से शादी कर लिए हैं। नाम सचिन कुमार, पिता का नाम प्रकाश दास, घर जामू कावर। दोनों मर्जी से प्यार करते थे, शादी कर लिए। बोलो इतना खास। मेरा नाम शिवानी है, पापा का नाम गुरु रविदास है, मेरी मम्मी का नाम मुसा है। मैं अपना मर्जी से शादी किया उस। सुनिए, रेडी है ना? हां, फिकर कैसे बोला? हां, पूरा दे दे। बोल सचिन। ए सचिन, तो रेडी है? पूरा दे दे। तो वीडियो रिकॉर्डिंग कर। सचिन मैं तो राजी। सब राजी है, हम राजी। हो गया चल, बस हो गया। डर ये डर देखो, हां कर लेते हैं। चलो हो गया, जो घोड़ा ले ले दोनों बेटा। दोनों राजी हैं रे? हां हां, ठीक हो जाओ। सुन ले दी, अगर हस्बैंड अभी उसको लेके जाएगा, बोल रहा नहीं लेके जाएगा। हस्बैंड लेके जाएगा तब हम नहीं रखेंगे। नहीं, वो अभी बोल रहा है हम लेके जाएंगे। लेके जाओ। अरे अब जो कह दी सब कहते हैं शादी कर लो, जो